बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आपको जो हमारा यहाँ पर अभी म्यूटेशन चल रहा था, अब हम उसमें प्रेरित उत्परिवर्तन म्यूटेशन बताने वाले हैं, जिसे हम कृत्रिम उत्परिवर्तन भी कहते हैं और ये इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी कहलाता है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन या आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी कहलाता है। ठीक है, प्रेरित उत्परिवर्तनों को कृत्रिम रूप से अनेक म्यूटाजेनिक कारकों द्वारा उत्पन्न किया जाना, म्यूटाजेनिक कारक के माध्यम से किसी भी चीज को, म्यूटेशन को हमें प्रेरित करना ही, ठीक है, वही कारकों द्वारा उत्पन्न किया जाना ही या किया जा सकता है, अगर जिनसे वो निम्न प्रकार के कारक क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के प्रेरित करते हैं उत्परिवर्तन को, उन्हें हम प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं या कृत्रिम उत्परिवर्तक होते हैं ये इस प्रकार के, जिसमें से पहला होता है निम्न प्रकार से कौन कौन से, भौतिक उत्परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन। तो जो भौतिक उत्परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से, तीन चार टाइप्स उसके भी हैं। भौतिक उत्परिवर्तन फिजिकल म्यूटेशन पहला पॉइंट जिसमें होता है तापमान टेम्परेचर, तो इसमें ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में लिंग संलग्न घातक जीन्स के प्रेरण की दर में वृद्धि हो जाती है। सपोज उन्होंने एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का बताया, मेलेनोगास्टर में लिंग संलग्न घातक जीन्स के प्रेरण की दर में वृद्धि हो जाती है यदि उनके अनुकूलन तापमान वाले वातावरण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार के तापमान से प्रेरण बल द्वारा विभिन्न जीवधारियों में जीन उत्परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, विभिन्न हमें उन सब में हम क्या कहते हैं, जीनों को उनमें परिवर्तित उत्परिवर्तित हम कराकर उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से विकिरण के माध्यम से, तो ये तो टेम्परेचर के माध्यम से हो गया परिवर्तन, अब हम विकिरण के माध्यम से जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन मतलब स्वतः उत्परिवर्तनों की दर में विकिरणों के प्रेरण द्वारा की जा सकती है। सन 1927 में H.J. मुलर ने बताया कि ड्रोसोफिला मक्खियों को एक्स किरणों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित करने पर उनमें उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक L.J. स्टेडलर के अनुसार जौ तथा मक्का के पौधों में एक्स किरणों द्वारा उपचारित करके उनकी उत्प्रेरण दर में वृद्धि हो जाती है। म्यूटाजेनिक विकिरण दो प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के हो गए, टू टाइप्स के हो गए विकिरण, जैसे आयनकारी और दूसरा अआयनकारी विकिरण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आयनोसिंग और दूसरा नॉन आयनोसिंग रेज कहलाते हैं, जिसमें आयनी कारक जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें तथा बीटा किरणें, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा अन्य शीघ्रगामी कण आदि ये होते हैं, और आयनकारी में जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज, प्रकाश तथा सामान्य प्रकाश की किरणें भी ली जाती आदि, इन सब के अंतर्गत आता है आयनकारी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। इन दोनों प्रकार की पर्याप्त विकिरणों को अधिक देने के कारण अधिकांश जीवधारियों की मृत्यु हो भी जाती है, किंतु परीक्षण किए गए जीवधारियों में जो शेष जीवित रह जाते हैं उनमें प्रेरित उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यह देखा गया है कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा उत्पन्न उत्परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनके माध्यम से प्रकाश द्वारा उत्पन्न उत्परिवर्तन जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, एक्स किरण उपचार एक्स रे ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे होता है, तो सर्वप्रथम सन 1927 में जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक मुलर ने एक्स किरणों द्वारा अनेक जंतुओं एवं पौधों को उपचारित किया, अनेक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उत्परिवर्तनों की दर में एक्स किरणों द्वारा बहुत अधिक वृद्धि की जा सकती है। किसके माध्यम से, एक्स किरणों के माध्यम से बहुत अधिक वृद्धि की जा सकती है। 1940 में इस प्रकार के किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप मुलर को नोबेल पुरस्कार सम्मानित भी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के शुष्क अथवा भीगे हुए बीज, बीजांकुर
पराकर्ण, अंडाशय एवं कलिकाएं आदि एक्स किरणों द्वारा उपचारित किए जाते हैं तो उनमें उत्परिवर्तन हो जाते हैं। उनमें क्या होते हैं इन सबसे उपचारित करने में, उनमें खुद में कोई एक उपचारित करने में उनमें एक उत्परिवर्तन आ जाता है, नए गुणवाले लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये उत्परिवर्तन किसके माध्यम से हो रहा है, एक्स किरणों के माध्यम से इसमें उत्परिवर्तन को बताया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट प्रकाश के माध्यम से कैसे, तो जब अल्ट्रावायलेट प्रकाश अनुवांशिक पदार्थों पर डाला जाता है तो अधिक ऊर्जा स्तर के कारण उन पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित कर लिया जाएगा उन पदार्थों द्वारा और इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा युक्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ऊर्जा युक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के संपूर्ण प्रवेश होने की अपेक्षा यह क्रिया हानिकारक नहीं होती है किंतु अपितु प्रभावित अणुओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है। और इनकी जो रासायनिक क्रिया है उनमें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। अतः अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। एक्स किरणों की अपेक्षा अल्ट्रावायलेट प्रकाश के में भेदन क्षमता कम होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें आयनीकारक कारकरण वाली विकिरण होती हैं, जो एक्स किरणों अथवा गामा किरणों की अपेक्षा कम भेदन क्षमता वाली होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे आयनकारी और एक आयनकारी, तो ये आयनकारी थी अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो इनकी क्षमता थोड़ी सी कम है भेदन की। और अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग सतह के समीप स्थित केंद्रकों को उपचारित करने के लिए किया जाता है। अतः एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवियों, बीजाणुओं, परागकणों आदि को उपचारित करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। अब है नेक्स्ट आयनकारी विकिरणों का प्रभाव, जो ये तो आयनकारी हो गया। तो आयनकारी विकिरण जब किसी पदार्थ से होकर गुजरते हैं तो इनके परमाणुओं की बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलकर पदार्थ के में प्रवेश कर जाते हैं। निकलकर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं परमाणुओं में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की हानि होने के कारण वे धनात्मक आयन्स बन जाते हैं। वे क्या बन जाते हैं, धनात्मक आयन्स बन जाते हैं। पदार्थ में पहुंचकर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक तीव्र गति के साथ घूमते हैं और अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो कम ऊर्जा वाले होते हैं दूसरे परमाणुओं पर वो पहुंच जाते हैं, जिससे वे परमाणु ऋणात्मक आयन क्या होता है उनका में बदल जाता है। धनात्मक आयन जोड़ों में अथवा समूहों में बनते हैं और विकिरण के पथ पर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के आयन्स में कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा वे अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं और वापस से वे अपनी रेस्टिंग स्टेट पूर्वावस्था में आ जाते हैं और इस प्रकार से आयनकारी विकिरण म्यूटाजेनेसिस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न करते हैं, म्यूटाजेनेसिस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और आयनीकरण विकिरणों का महत्वपूर्ण प्रभाव क्रोमोसोम्स एवं क्रोमेटिड्स के टूटने में होता है। इस प्रकार के विखंडन डीएनए स्ट्रैंड्स के शर्करा तथा एवं फॉस्फेट्स के माध्यम से होता है। अतः डीएनए का अग्रस सिरा समाप्त हो जाता है। लंबे होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसी विधि द्वारा दो स्थानों से टूटने लगते हैं और ट्रांसलोकेशन प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से एक ही प्रकार के क्रोमोसोम दो स्थानों पर टूटते हैं तो यह क्रिया न्यूनता तथा अथवा विलोपन कहलाती है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आयनकारी विकिरण का प्रभाव पढ़ लें, ये प्रभाव पढ़ रहे हैं हम दोनों का। तो इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा डीएनए के थायमीन तथा साइटोसिन क्षारक प्रभावित होते हैं। ऑब्वियसली हम जब अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो ये थायमीन साइटोसिन क्षार पे प्रभावित होंगे और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से साइटोसिन जल के अणु से संयोग करके जलीकृत हो जाता है और इसी प्रकार थायमीन के दो अणु परस्पर संयोग करते हैं जिसके फलस्वरूप थायमीन डाइमर बनता है तथा यह डाइमर डीएनए
कि दोहरे कुंडलन में फिट नहीं हो पाता, और वो क्या बोलते हैं दोहरे कुंडलन में वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो अतः डीएनए में विकृति हो जाती है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर यहीं तक है। केमिकल म्यूटेशन मैं आपको लास्ट नेक्स्ट बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इंड्यूस्ड उत्परिवर्तन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।